हिमाचल राउंडअप की ओर। कांगड़ा में अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 200 मामले अधर में लटके हुए हैं। बजट की कमी के चलते लाभार्थियों को पुरस्कार योजना के तहत लाभ देने में बाधा आ रही है, जबकि विभाग की ओर से साल 2019-20 के लिए 99 का टारगेट फिक्स रखा गया था। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। बता दें आपको कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को वीर जवानों की वीरगाथा के बारे में पढ़ाया जाएगा और करगिल युद्ध के समय हिमाचल के जो भी जवान शहीद हुए थे उनकी जीवनी के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। कांगड़ा में पिछले साल से बंद पड़े बंगाल मार्ग को प्रशासन ने एक बार फिर से बहाल करा दिया है। बता दें आपको कि पिछले साल भूस्खलन होने से बंगाल मार्ग अब बंद हो गया था, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। बिलासपुर में बारिश से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बता दें आपको कि भारी बारिश के चलते नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से जलभराव को कम करने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर में बन रहे 4-लेन सड़क मार्ग पर ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया है। ठेकेदारों का आरोप है कि विभाग की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी बकाया राशि को नहीं दिया जाएगा तब तक सड़क पर काम शुरू नहीं होगा। हिमाचल में मॉनसून को देखते हुए एचआरटीसी ने बस चालकों को निर्देश जारी किया है। बता दें आपको कि इस निर्देश में चालकों को बारिश के मौसम में बस की रफ्तार धीमी और धुंध में फॉग लाइट का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। पौंटा साहिब में बेखौफ चोरों ने वार्ड नंबर 10 चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि चोर गाड़ी का टायर और साथ ही कई कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है। पौंटासाहिब में सरेआम महिला ने दो किन्नरों की पिटाई कर दी। बता दें आपको कि महिला का आरोप लगाया है कि दरअसल दोनों किन्नर अवैध धंधा करते हैं, जिससे कि महिला ने दोनों की पिटाई की है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ से किन्नरों को बचाया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुंदरनगर में एचआरटीसी कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि कर्मचारी अनुबंध लाने की मांग कर रहे थे और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। कुल्लू में किसानों के लिए रात की खबर है। बता दें आपको कि 7 साल के लंबे इंतजार के बाद किसान अब उलझी घाटी में सब्जी बेच सकेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंडी शुरू होने से घाटी के लगभग 5,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा। मंडी नगर परिषद जोगेंद्र नगर में रेहड़ी को हटाने के मामले में रेहड़ी मालिकों ने एसडीएम से शिकायत की है और साथ ही अपनी मांगों के लिए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि शहर के बस अड्डे से रेलवे स्टेशन तक सड़कों के दोनों ओर रेहड़ी लगी रहती है। शिमला में क्लाइमेट चेंज को लेकर 21 विभागों के 150 अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण विभाग ने प्रशिक्षण दिया है। बता दें आपको कि कार्यशाला के आखिरी दिन क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा भी की गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य भी रखा गया। देहरा में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। बता दें आपको कि ये प्रशिक्षण शिविर उद्यान विभाग ने आयोजित किया था और साथ ही इसमें लगभग 50 बागवानों ने भाग लिया था। इस शिविर में दरअसल शहद प्रोसेसिंग की विभिन्न मशीनों का जो प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया गया और प्रशिक्षण के समापन पर उद्यान विभाग धर्मशाला के उप निर्देशक डॉक्टर दौलत राम वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत की। कांगड़ा के गुमर गांव में 22 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। मृतक युवती की पहचान रीता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया है और मामले की आगामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। कुल्लू के बरसेणी में जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही एनएचपीसी कंपनी ने दरअसल इन दिनों गायों के मरने की खबर सामने आ रही है और कंपनी ने किसी तरह की कोई भी सुरक्षित दीवार नहीं लगाई है, जिस कारण गायों के डूबने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुंदरनगर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि बस स्टैंड के पास शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।